जरा सोचिए, आप किसी झील को देखने गए हैं और वहाँ पर मछलियों की जगह आपको कंकाल तैरते हुए दिख जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वहाँ से डर के भाग जाएंगे। हिमालय के रूपकुंड की कहानी भी कुछ ऐसी है। यहाँ एक अरसे से इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी है, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस कंकाल वाली झील के रहस्य के बारे में। रूपकुंड झील भारतीय राज्य के उत्तराखंड में लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। जबकि यहाँ पर जब भी बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल पानी में या फिर सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस झील की खोज पहली बार 1942 में एक गेम रिजर्व रेंजर ने की। शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा था कि ये अवशेष जापानी सैनिकों के थे जो कि इस क्षेत्र में घुसे। अंग्रेजों ने तुरंत एक टीम को पता लगाने के लिए यहाँ पर भेजा कि ये कंकाल किसके हैं। टेस्ट करने में पता चला कि ये लाशें जापानी सैनिकों की नहीं हो सकती क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी। जानते इसके पीछे पूरी कहानी के बारे में, कंकाल है कहाँ से, क्या इसका अनुमान लगाया जाता है कि कंकाल किसके हो सकते हैं। मुझे कई कहानियां बताई जाती है। एक राजा रानी की कहानी सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि राजा रानी ने मंदिर के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वे अकेले न जाकर नौकर चाकर साथ ले गए। यह सब देखकर देवी गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा बिजली बनकर उन सब पर गिरा, ऐसा गिरा कि वे सब मौत के मुंह में समा गए। कई कहानियों में इस झील के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी में मारे गए। जब झील पर जमा बर्फ पिघलती है तो यहाँ मौजूद इंसानी कंकाल आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इन्हें देखकर एक बार व्यक्ति चौंक सकता है। नहीं नहीं, यह झील इतनी भयावह होती है, कई बार कंकाल के साथ साथ पूरे इंसानी अंग भी दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वास्तव में कोई भी कह सकता है कि बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया। इस झील में अब तक लगभग 600 से 800 इंसानी कंकाल पाए जा चुके हैं। इस रहस्य का पता लगाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक रिसर्च हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर हुई एक स्टडी के अनुसार ये कंकाल सिर्फ भारतीय के नहीं बल्कि ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के कई लोगों के भी है। और एक नई रिसर्च यह भी बताती है कि ये सभी कंकाल अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें से महिलाओं पुरुषों के कंकाल भी शामिल है। ये थोड़ी सी डिटेल रूपकुंड झील के बारे में।